इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 4 वन समाज और उपनिवेशवाद भाग 4, जिसमें हम वनों के नियम से खेती कैसे प्रभावित हुई इसके बारे में पढ़ेंगे कि जंगल पर जब नियम लग गया तो लोगों की खेती कैसे प्रभावित हो गई। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। जो लोग झुमंतू खेती करते थे या चाहे घुमंतू खेती, झूम खेती का मतलब होता था चाहे घुमंतू खेती, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये लोग एक जगह पर रुकेंगे, खेती बाड़ी करेंगे और फिर अगले जगह पर चल जाएंगे। कुछ लोग रुकेंगे, यहाँ के खेती बाड़ी देखेंगे और बाद में जब कटाई उटाई का पर्व आएगा उस समय सबको इकट्ठा होकर काट कूट के अपना पूरा रोजी रोटी चलाता था। लेकिन कानून पास हुआ तो घुमंतू खेती बंद कर दिया गया। घुमंतू खेती जब बंद हो गया तो वहां के स्थानीय लोग को दिक्कत हुई। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अन्य भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग बोलते हैं, मध्य अमेरिका में मिल्पा और अफ्रीका में इसको चेतमेन या तावी, वह श्रीलंका में चेना बोला जाता है। किसको? घुमंतू को, घुमंतू या झूम को। आप चले जाओगे दक्षिण पूर्वी एशिया में तो लादिंग, अमेरिका में चले जाओ मध्य अमेरिका तो वहां पर मिल्पा, अफ्रीका में चेतमेन या ताबी बोलते हैं, श्रीलंका में चेना बोलते हैं। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवर, झूम, पोडू, खंडाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। अपने हिंदुस्तान की बात निराली है बाबा, अनोखी है। सब लोग एक एक नाम रखे हैं, दो दो नाम रखे हैं। अपने हिंदुस्तान में अनेकों नाम है। जैसे घुमंतू खेती को बोलेंगे धया, पेदा, बेवड़ा, बेवर, नवड़े, नवर, इसको नवड़े नवर दोनों बोलते थे। झूम, ऊपर भी झूम लिखल है। खंडाद चाहे कुमरी, कुमरी भी बोलते थे उसको, घुमंतू को। कुमरी का मतलब क्या होता है? कुछ समय अपने घर रहेगी और उसके बाद से अपने ससुराल में चले जाएगी, इसलिए उसको कुमरी बोलते थे। शादी से पहले कुमार लगता है, बाद में कुमार हटाकर प्रसाद लिख दिया जाता है, मतलब ये लाइसेंसेज हो गया, ये सब ब्याह, इसका विवाह हो गया, इसलिए नाम बदल दिया जाता था। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिया जाता है और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। अब देखो, जंगल की जो होता है थोड़ा मोरा जो झाड़ जंगट हो गया उसको जला दिया जाएगा, फिर उसी में आपको बीज डाला जाएगा, बारिश के मौसम में वो बीज हो जाएगा और अक्टूबर और नवंबर में उसको काट लिया जाएगा। काट कर वही लोग खाते थे। इन खेतों पर दो एक साल खेती करने के बाद इन्हीं 12 से 18 साल तक, 2 साल खेती करेंगे उसके बाद से 12 से 18 साल के लिए परती छोड़ दिया जाता था, मतलब उसके लिए उसको खाली छोड़ दिया जाएगा 12 से 18 साल तक ले, ठीक है, जिसमें वहां फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती है, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार, बाजरा, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का और फलिया बोया जाता था। मक्का हम लोग का नहीं है, अफ्रीका में ज्वार बाजरा होता था, ठीक है, ब्राजील में कसावा वहां पर लोग बोते थे, और आप चल जाओ लैटिन अमेरिका में तो मक्का अमेरिका से आया है अपने हिंदुस्तान में। मक्का हम लोग का स्थानीय खाना ही नहीं है, लेकिन उस समय के जमाने में मक्का आ गया, मक्का का इस्तेमाल लोग बहुत ज्यादा करने लगा, क्योंकि मक्का का फायदा था, मक्का को भूज कर खाओ, मक्का को भुरभोट कर खाओ, मक्का को पका कर खाओ, मक्का को बॉयल करके खाओ, मक्का का भूजा बनाकर खाओ, मक्का का सतुआ खाओ, मक्का का मकई से ही बनता था, क्या बोलते हैं उसको, मक्का का चिवड़ी बनता है। चिवड़ी एक तरह से भूजा ही होता है, चकला चकला होता है, मक्का का पॉपकॉर्न बन जाता है, इसलिए उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था। तो अमेरिका में आपको मक्का और फलिया, मक्का व फलिया, मक्का को ही फलिया जैसे ही होता था,
ऐसे में आप समझ जाओगे। अभी तो एक नाम मेरे को याद आ रहा है, लंबा लंबा वो भी होता है, मक्का जैसा ही होता है, मड़ुआ का जैसा ही लाल लाल दिखता है, शायद मड़ुआ ही हो सकता है। यूरोपीय वन रक्षकों की नजर में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था, क्योंकि इससे जंगलों की थोड़ी सी खराबी हो जाती थी, ऐसा उधर के शासक यूरोपीय वन रक्षक मानते थे। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंदर अंतर पर खेती की जा रही हो, मतलब तो कुछ एक दो साल के अंदर पर खेती की जा रही हो, ऐसे जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगेंगे। मतलब जहां पर हमेशा खेती की जाती है वहां पर वो पेड़ नहीं लग सकते हैं जो रेलवे और जहाज बनाने में चाहे इमारती लकड़ी के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखो चित्र में आपको हाथ में बांस पकड़े हुए लोग दिख रहे हैं, ठीक है। ये चित्र आप देख सकते हैं, चित्र 15। इसमें देखो क्या क्या लिखा है। टेंगिया खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की जरूरत थी। 1921 में बर्मा के थर्रावाड़ी डिवीजन से लिए गए इस चित्र में किसान धान बो रहे हैं। लोहे के छोर वाले लंबे बांसों की सहायता से पुरुष धरती में छेद बनाते थे, औरतें प्रत्येक छेद में धान बोती थी। ऐसे ही लोग धान बोते थे पहले, लेकिन उस समय देख रहे हो ना, ये पानी दिख रहा है ना कुछ भी। आज के जमाने में धान देख लो, जहां भी धान रहेगा वहां पानी तो होगा ही। ऐसे ही जंगलों में आग लगा दिए जाते थे, जिस तरह आप चित्र में ये देख सकते हैं। ये सब पहाड़ी एरिया होता था, कुछ 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 एक आधे वहां पर पेड़ वगैरह पनपता था, उसमें भी आग लगा दिया जाता था। चित्र 16। जंगल के पेंदा या पोदू किस्सों को जलाना, मतलब छोटे मोटे ये सब पोंदू पांदा को जला देना। घुमंतू खेती में जंगलों को साफ किया जाता है, ये सब छोटे मोटे जो दिख रहे हैं ना इसको साफ किया जाता है। सामान्यतः चट्टानों के ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए इन्हें जलाया जाता है, इनको जला दिया जाता है राख के लिए। इसके बाद इस क्षेत्र में फिर बीज बिखेर दिए जाते हैं और वर्षा से सिंचाई के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। बीज डाल देंगे और पानी बरसेगा, उसको सींच देगा, उसको भींगा हुआ देगा, उसके बाद से फिर वहां पर एक नया पेड़ पनप जाएगा। अथी जंगल जलाते समय बाकी जितने भी बेस कीमती थे, बेस कीमती पेड़ों के लिए भी फैलती लपटे, जो आग लगता था तो फैलती लपटे की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता था। किसको? बेस कीमती पेड़ पौधे को। घुमंतू खेती के लिए जो घूम घूम के खेती करते थे, घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला लिया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन भी स्थापित कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया घर से और एक जगह पर उनको बसा दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध किया, क्योंकि जिसका घर छीनेगा उसका तो कुछ ना कुछ करेगा ना। ये बच्चा को आप देख सकते हैं, चित्र 17। मछली मारने वाला लड़का, ये हाथ में जो लिया है इसको आरसी बोलते हैं, ये बांस का फोफर है और हाथ में बंसी ले ले है, उसी बंसी से मछली मारकर देखो ये वो चढ़ मतलब आता है सिर, उसी में मछली को लगा दिया है, गलफड़ में ढुकाकर उसके मुंह में निकाल देना है तो उसमें मछली आराम से फंस कर रह जाती थी, एकदम सरिया कर रख ले। देखो बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल जाते हैं और बहुत जल्दी ही वे मछली पकड़ना, वन उत्पादकों को इकट्ठा करना व खेती करना सीख लेते हैं। आज भी जो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा पढ़ता है, पढ़ पढ़ का बैल हो गया है, उसको खेती करने नहीं आता है, लेकिन गांव में किसी भी लड़का से पूछ लो मकई के बोल जाला वो सब बता देगा, धान किस तरह बोए जाते हैं तुरंत बता देगा, गेहूं किस तरह बोया जाता है तुरंत बताएगा, बैगन किस तरह बोते हैं, गोभी किस तरह बोते हैं, मर्चा किस तरह बोते हैं, केला किस तरह लगाया जाता है, घेवड़ा किस तरह लगता है, घेवड़ा झिंगुनी कद्दू लौका बोरी सब कैसे लगता है तुरंत बताएगा, मकई किस तरह बोते हैं, मटर किस तरह बोते हैं, राजमा किस तरह बोते हैं, सब उस सबको मालूम रहता है।
तुरंत बोलने लगेगा सर। लेकिन शहर के लड़कों से पूछ लो, ये लोग 9th क्लास में जाकर सीखेंगे, 10th क्लास में सीखेंगे कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है, एग्रीकल्चर का पढ़ाई करेंगे तब उसे मालूम चलेगा कि हम खेती कैसे करते हैं, सरसों का खेती कैसे होता है, साग का खेती कैसे होता है, पालक की खेती कैसे होता है, ये सब जानना जरूरी होता है हर किसी के लिए। हम एक बार नासिक से आ रहे थे घर पे अपने गांव छपरा में, तो एक लड़का था शिरडी के साईं बाबा जो मंदिर है उन्हीं के उसके बगल का, तो वो बिहार आ रहा था अपने जॉब के लिए, उसका SSC में नौकरी लगा था, उसका ट्रेनिंग कैंप में उसका अपॉइंटमेंट था, मतलब ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था नासिक से मुंबई से। तो उनको उसको बता रहे थे कि आलू देखो ऐसे बोए जाते हैं, सरसों देखो ऐसे बोए जाते हैं, पालक ऐसे बोए जाते हैं, गेदरी का ऐसा साग होता है, गोभी ऐसे लगाए जाते हैं, ये पेड़ है, ये लेदी कटा मशीन है, ये बेड़ी है, ये खोप है, उसको कुछ नहीं पता था, तो उसको हम लोग बताते आए ट्रेन में। तो भाई काम ऐसा करो कि हर चीज की जानकारी अपने दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना करने का। शिकार की आजादी कैसी थी, मतलब शिकार खेलने की आजादी कैसी थी, इसके बारे में भी जान लो आप। जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया, कैसे? पहले ये तो अभी लड़का का बता रहे थे ना, तो जल्दी ही सीख जाते थे बांस के ट्रैप को, बांस के ट्रैप मतलब उसको एकदम घानी बनाए जाते थे, उसको RC बोलते हैं हम लोग यूपी बिहार में, उसको RC बोलते हैं, तो ट्रैप इंग्लिश इंग्लिश शब्द है, ट्रैप मतलब मछली फंसाने वाला उपकरण, तो ट्रैप को जिससे यह लड़का अपने बांस बांस हाथ में पकड़े हुए बहाव के मुहाने पर रखने पर मछली इसमें चली जाती है, ये जब बांस के जब पानी जहां से बहता है ना वहां पर जब रखेंगे तब मछली इसमें आटा डाला जाता था, वही आटा खाने के लिए इसमें ढुक जाती थी अंदर, और ढुक जाएगी तो निकलने का रास्ता इसमें हईले नहीं है, और उल्टा विपरीत दिशा में वो निकल ही नहीं सकती है, बाद में लड़का उसमें से निकालेगा और उनको झारेगा और झार कर उनको पका कर खा जाएगा। जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानून के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन व्यापन कर सकते थे, कर लेते थे, और खाने पीने का काम हो जाता था, क्योंकि हिरन तीतर मुर्गा मुर्गी और सुअर छोटे मोटे शिकार कर लेते थे, जैसे खरगोश हो गया, कौआ हो गया, चिड़ई हो गया, तो ये सब मारकर खाते थे। अब वन कानून के वजह से वह भी बंद हो गया। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा, क्योंकि सरकार ने अपना कानून पारित कर दिया था। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकारी के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, देखो फिर से सुनो, जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत तरीकों अधिकारों से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया, मतलब बड़े जानवरों खतरनाक जानवरों को मारना एक खेल बन गया था। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का जो दरबार के लोग होते हैं, दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा है सॉरी हिस्सा रहा था, अभी भी है, लेकिन अब लोग नहीं करते हैं क्योंकि अब उनके हिम्मत उनके जोरों में उनके पैरों में घुटनों में उतना हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। उनके मुगल कलाकृतियों में जितने भी मुसलमानी कलाकृति देखोगे उनमें शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है कि वो लोग शिकार किस तरह खेलते थे। कोई भी आप मूवीज देख सकते हो, चाहे वो हम नहीं बोल रहे हैं कि केवल यहाँ पर दरबारी भी आ रहा है, दरबारी में हिंदुस्तानी लोग आते हैं मतलब हिंदू लोग आते हैं, नवाबी में मुसलमान लोग आते हैं, ये सब लोग के घर में आपको पहले ना हाथी का हिरन का बारासिंघा का हाथी का दांत दिख जाएगा, शेर का खाल दिख जाएगा, ये सब आम बात थी। किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजाति इतना प्रचलन बढ़ गया कि कई प्रजाति, ये चित्र आप देख सकते हो, याद रखना इस चित्र को कि ऐसे
यहाँ पर सुअर अफसर आए थे, डोम अफसर आया था। कोई जात से डोम नहीं होता, अपने कर्मों से डोम होता है। इस बेजुबान को मारना एक तरह से खत्म बता रहा है कि हम मानसिक तौर पे कितने खत्म है, गैल गुजरल है, गधा है, भैंस है। चित्र 18, नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग फोटो में मृत बाघों की गिनती करें। ब्रिटिश उपनिवेशिक अफसर और राजा जब शिकार के लिए जाते, तब उनके साथ नौकरों की एक पूरी फौज होती थी, जो मार दिए उसको उठा कर लाने के लिए। गांव के कुशल शिकारी हाक लाते थे, मतलब जो गांव के कुशल एकदम शिकारी होते थे, वो लोग उधर से दौड़ा कर लाएंगे, और साहब को बस गोली भर चलाना होता था। ये लोग बंदूक लेकर खड़ा रहेगा, मार देगा गोली, वो मर जाएगा। ये लोग कुछ नहीं करते थे, खाली गोली मारते थे, उसके अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे, नामर्द थे यार सब। छोड़ो इनके बात, लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। क्या लुप्त हो गई? बहुत सारे यहाँ पर कई प्रजातियां पूरी तरह लुप्त हो गई। अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर, जंगली बड़े जानवर जो जंगली होते थे, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। क्या थे? एकदम बर्बर और आदि समाज के एकदम प्रतीक चिन्ह थे कि हम मरले थे। शेरे मैसूर का नाम सुना होगा, टीपू सुल्तान का। तो टीपू सुल्तान पर शेर हमला किया था, तब उन्होंने शेर को मारा, वो भी बिना हथियार के। तो वो बहादुर थे, बिना हथियार का मार दिया। लेकिन आज के समय में उसको चाकू से, भाला से, बंदूक से मारा जाता है। तो ये सब तो कायरता हो गई ना। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे, जैसे बाघ, भेड़िया और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिया जाता कि इनमें किसानों को खतरा है। इनको मारकर इनाम दिया जाता था कि इंसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1.5 लाख से ज्यादा तेंदुआ, 2 लाख से ज्यादा भेड़िया मार दिए गए, मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में, मतलब खेल के पुरस्कार के रूप में उसको देखा जाने लगा। अकेले जर्ज यूल नामक अंग्रेज, जो ऊपर चित्र में देख रहा है, शायद ये नहीं भी हो सकता है, तो उसका नाम था जर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। केवल अकेले 400 बाघ को मारा था। कौन? जॉर्ज यूल नामक। तो ये बहुत खतरनाक निशानेबाजी करता था और गोली मारता था, तो एकदम सटीक मारता था। लेकिन गोली मारने से क्या फायदा जब उससे तुम लड़कर नहीं मार दिए? चोरी छुपे तो सब कोई मारता है, सामने सामने लड़कर मारो तो न माने। काफी समय बाद, यहाँ अपने ऊपर थे, प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। शुरुआत में कुछ जंगलों को शिकार करने के लिए ही उनको रखा गया था। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। जो भी यहाँ के संरक्षण लोग थे, संरक्षणवासी उनको कह दो, संरक्षण संगठन या पर्यावरण के जो संगठन करते थे लोग और उनको बचाने के लिए, वो लोगों ने बाद में आवाज उठाया सुरक्षा के माध्यम से कि इनको सुरक्षा दो, मारो नहीं, क्योंकि जानवर हमारे देश से खत्म हो गया तो इस देश में इंसानों की नामो निशान खत्म हो जाएगी। इसके वजह से नया कानून पास हुआ, वन विभाग पर कानून पास हुआ, तो ये जानवरों को मारना खत्म किया गया। अपने हिंदुस्तान में करीबन 80,000 तो मार दिया गया, 80,000 बाघ, शेर तो पता नहीं कितना मारे होंगे, 1.5 लाख तेंदुए मार दिए गए, 2 लाख भेड़िए मार दिए गए। 2 लाख भेड़िया कोई कम नहीं होता है। और कितना में? 40 साल के अंदर में, 40 साल नहीं, 50 साल के अंदर में। तो इतने बड़े पैमाने पर हत्या हुई थी, कोई कम बात नहीं ना होती है। फिर अगले भाग में हम पढ़ते हैं, भाग 5 में, नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, विद इन 24 आवर में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। एकदम टेंशन फ्री रहो, जो चीज समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आप नहीं तो आप फीडबैक दो, और आपको नया कुछ चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।